आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कॉल को फॉरवर्ड कैसे करें। क्या आप भी कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यानी कि कॉल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दूसरे नंबर पर, तो वो आप कैसे कर सकते हैं कोड की मदद से। तो यदि आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप भी अपने किसी भी फ़ोन में किसी भी सिम पर आप कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सिम हो, कोई भी फ़ोन हो, यहाँ पे मैं तरीका ही बताऊंगा कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करनी है, और यहाँ पे मैं हटाने का भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद आप अपने फ़ोन में डायलर पे चले आइए। ठीक है, डायलर पे जैसे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोड डालना है। ये कोड हर फोन में वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोड आपको डालना है *21, यानी कि *21*। ठीक है, अब आपको किस नंबर पे फॉरवर्ड करना है वो नंबर आपको यहाँ डालना है। ठीक है, चलिए मैं नंबर डाल देता हूँ। नंबर मैंने डाल दिया है, इस तरीके से आपको अब नंबर डाल देना है। ठीक है, कंप्लीट यहाँ देख लेना है 10 डिजिट्स है कि नहीं आपके नंबर की। अब यहाँ पे आपको बाद में हैज लगाना है। अब यहाँ पे आपको उस सिम से डायल करना है जिस सिम से आप कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो मेरे फ़ोन में एक ही सिम है तो इससे मैं डायल कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुली, इस तरीके से ये देखो मैसेज आ चुका है। ठीक है, अब आपको इसे ओके करना है। ठीक, अब ये देखो कॉल फॉरवर्ड कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आ गया है, ये आप देख सकते हैं फॉरवर्डिंग ऑल कॉल्स, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आप इसे बंद कैसे करेंगे, कॉल फॉरवर्ड को हटाएंगे कैसे, उसका भी मैं कोड बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे आपको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, उसके लिए आपको हैज ठीक है *21*21 हैज, ये देख सकते हैं *21#, इस तरीके से आपको इसे उसी सिम से डायल करना है। जैसे आप डायल करेंगे ये देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग एरेज सक्सेसफुली, इस तरीके से ये देखो हट गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कोड मैं और बता देता हूँ आपको, यदि आप जानना चाहते हैं कि मैंने किस नंबर पे कॉल फॉरवर्ड की है तो वो भी आप डिटेल यहाँ देख पाएंगे एक कोड की मदद से। जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर हटा देंगे तो नहीं देख पाएंगे, अगर लगा देंगे तब देख पाएंगे वो कोड कौन सा है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। अब आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपने जो कॉल फॉरवर्डिंग की है वो किस नंबर पे की है, यहाँ पे आपको सभी डिटेल दिख जाएगी। तो आपको डालना है *21#, इस तरीके से आपको डालना है *21#, और इसे आपको डायल करना है। ये देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग वॉइस, इस तरीके से जो नंबर यहाँ शो होगा इस तरीके से शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर पर आप कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, ये सभी के लिए है। अगर एक के लिए करना चाहते हैं, किसी एक ही नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं, सभी नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग में चले आइए, इस तरीके से डायलर में जाके और यहाँ पे सेटिंग का आइकन देखें, इस पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे वॉइस करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते, वीडियो कॉल और वॉइस दोनों करना चाहते हैं तो एक पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। रीडिंग सेटिंग यहाँ होगा, कॉल फॉर ऑलवेज फॉरवर्डिंग इस तरीके से आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से देखो आ चुका है, यहाँ से आप अपडेट कर दीजिए, अपडेट करेंगे तो वो भी यहाँ पे सही से सेट हो जाता है। तो मैंने आपको सभी तरीके थे बता दिए हैं। वीडियो आपको ये कैसी लगी, कमाल की लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जय हिंद।